गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और बताएं आप लोग कैसे हैं। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ पूछती हूँ कि आप लोग कैसे होंगे। मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो चुकी है। आइए थोड़ा सा बाहर का दिखा दूँ आप लोगों को फिर से। रोज तो वही अंदर का चूल्हा चौका बर्तन खाना है। आज भी चूल्हा चौका बर्तन भी दिखाने वाली थी, पर मैंने साड़ी नहीं पहन के रखा था। नाइटी पे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने फिर साड़ी पहनी तो ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है तो इसकी वजह से ये सब साड़ियाँ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जब कॉटन की साड़ियाँ होती हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो मतलब 6 महीने भी नहीं चलती हैं, फिर ये गर्मी भी नहीं चल पाती है। एकदम ऐसे ऐसे कपड़ा हो जाता है उसमें, तो ख़राब हो जाता है। और बताएं आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन कौन मुझको देख रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। 2-4 लोग कमेंट करते हैं, बाकी तो सारे ऐसे देख देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। ये देखें मेरे यहाँ चिप्स तली जा रही है इस गर्मी में, और चाय बन रही है। देखते हैं आप लोग, भले ही चिप्स जल जाए लेकिन इसको स्लो करो। देखें आप लोग, ये देखें इधर देखो, इसमें देखो, बताओ चाय क्यों बना रहे हो? मैंने कौन कहा है? तुम्हारा मन किया तुम चाय बना लोगे, तो चिप्स क्यों तल रहे हो? गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये चिप्स तल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, इनका मन था खाने के लिए इसलिए ये चाय बना रहे हैं। अच्छी बात भी है, बना लेते हैं खा लेते हैं, मुझको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं सब। बड़ा वाला गया है सरसों लेके तेल निकलवाने के लिए अपने बाबा के साथ, ये घर पे हैं। मैं कहीं मुझे लगा कि मुझे अपना काम कर लेना चाहिए ये वाला, तो ये चिप्स तल के चाय बना के मुझको देंगे और मैं खाऊंगी चाय पीऊँगी। लेकिन मैं तब तक सोचती हूँ कि ना खाऊं, जब तक हम लोग तीनों लोग बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तभी अच्छा लगता है। लेकिन ये बना डाला वो है नहीं बड़ा वाला फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, रोज़ ऐसा नहीं होता है। और बताएं आप लोग, यही मेरा टूटा फूटा घर है, क्या करें, बहुत ही ख़राब है। देख रहे होंगे आप लोग, ये सब निकल रहा है यहाँ का, उससे ज़्यादा इधर का ख़राब हो चुका है। ये जो मेन गेट के पास का है, अब देखिए कब तक सही होता है या नहीं होता है। सब टूट फट गया है, घर का भी देखें। इसमें सोच रहे हैं कलर करवाने के लिए, लेकिन अभी कुछ हिसाब किताब मेरा बैठ नहीं रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कुछ भी नहीं है, जीरो है। देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिमाग लगाते रहते हैं कि कहाँ से 1 पैसे का मतलब इनकम हो, पर वही है कि जब ये सब काम कभी हुआ नहीं था, इसके बारे में कभी सोचे नहीं थे, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, मतलब खड़े होने में, स्टैंड होने में, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे लग रहा है। कुछ मैं करूँगी, कुछ मेरे बच्चे करेंगे तो हो जाएगा। ये तो बच्चे भी छोटे ही हैं, क्या इनसे उम्मीद करें कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। काम बहुत है, पैसे बिल्कुल नहीं हैं, क्या करें। परिस्थितियाँ कुछ एकदम उल्टी चल गई चली गई हैं, जिधर सीधा नहीं जा के उल्टा चली गई हैं, तो उनको
सीधा करने में बहुत वक्त लगेगा, पर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं सच में सब कुछ कर लूँगी, इसी काम से मैं सारा काम करूँगी अपना। अगर आप लोग मेरा इतना इतना सपोर्ट किए तो, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसके अलावा मुझे कोई काम भी नहीं आएगा ना, मैं ना मेरा मतलब बाहर जाके काम करना ये वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे आए 23-24 साल हो गया और मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ ऐसे काम के चक्कर में, ना मेरे दिमाग में कभी चला, तो अब ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं YouTube को मतलब अपनाई हूँ और YouTube से काफ़ी लोगों को देख के मेरा हौसला भी बढ़ा है। अभी तो तबीयत भी नहीं सही चल रही है, तबीयत में भी मतलब मेरे दवाई में ही करीब 4-5 हज़ार रुपये महीने लग जा रहे हैं। अब तो काफ़ी सुधार हो चुका है, नहीं ये सब मेरा ऐसे ना मोटा मोटा हो कैसे लटक गया था, लग रहा था यहाँ पे कोई बीमारी हो रही है, लेकिन अब तो देखिए काफ़ी सही हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके अलावा मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, कैसे परिवार का भरण पोषण करूंगी, पर यह है कि थोड़ी सी उम्मीद है, आप लोग मेरे साथ हैं तो है। अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, वो चाय बना रहे हैं, उनका सपोर्ट कर दें थोड़ा सा, कहीं जल वल ना जाए वो, कि मैं बैठ के बातें ही करती रहूँ। ओके मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखें चाय चिप्स आ गई है, देव जी ने चाय चिप्स को मुझको दे दिया है और खुद पानी पी रहे हैं, पानी पीने के बाद वो भी चाय और चिप्स का टेस्ट लेंगे और चाय और चिप्स खाएंगे पिएंगे चाय। तो प्लीज़ यार अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, और मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग से भी निवेदन है कि मुझे भी एक चांस दीजिए कि मैं यूट्यूब पे अपना एक छोटा सा मतलब छोटा सा काम करूं, छोटी सी पहचान बनाऊं, बहुत बड़े की उम्मीद नहीं है, मतलब छोटा सा तो हो ही जाए। तो आइए आप लोग भी चिप्स चाय लीजिए, और मैं इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है। मिलते हैं कल आप लोगों को न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें आप लोग। ओके बाय।